अगर आपने बहुत सारे दांतों में रूट कैनल ट्रीटमेंट करवाया है और आप अगर नहीं चाहते हो कोई भी नया दांत अगर खराब होता है तो उसमें रूट कैनल ट्रीटमेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो? तो मैं लेकर आया हूं डायरेक्ट पल्प कैपिंग। ये क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आखिरी तक समझ जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडियन डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। डायरेक्ट पल्प कैपिंग ये क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम कवर करते हैं एक्सपोज्ड वाइटल पल्प को बाय प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग और बेस से, जिसकी मदद से हम जो वाइटल पल्प है, जो हेल्दी पल्प है, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। पल्प क्या होता है, दांत के हमारे तीन लेयर होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो इनामिल होता है, दूसरा आपका डेंटिन होता है, तीसरा पल्प होता है जिसमें नर्व और ब्लड वेसल्स रहती हैं। अगर ये एक्सपोज हो जाता है तो पेशेंट को बहुत सारा पेन होता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन अब आरसीटी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पल्प बहुत स्मॉल साइज का ओपन होता है या एक्सपोज होता है तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग से आप अपने दांत को बचा सकते हैं, आरसीटी की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको अभी तक डायरेक्ट पल्प कैपिंग क्या होता है ये नहीं समझ में आया है तो चलिए डायग्राम के थ्रू समझाता। सामने जो आप देख रहे हैं ये है आपका टूथ, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो बाहरी लेयर होता है, इसे हम बोलते हैं इनेमिल। जो सेकेंड लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं डेंटीन, और लास्ट लेयर होता है पल्प जिसमें नर्व या फिर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो अंदर रहती हैं। आपके दांत में जब कीड़ा लग जाता है, मान के चलिए देखिए ये आपके दांत में कीड़ा लग गया, ठीक है। जो कीड़ा है जिसे हम बोलते हैं केरीज या टूथ डिके, इसमें क्या होता है, जब आपका केरीज आपका पल्प को इन्वॉल्व कर लेता है, मान के चलिए देखिए एक हल्का सा जो ये पल्प का पोर्शन है ना, ये जो है इन्वॉल्व हो गया है, तब क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, कैविटी को क्लीन करता है, जो कीड़ा लग गया आपके दांतों में उसको साफ करता है। जब वो साफ करता है धीरे धीरे जा करके ये हल्के से पोर्शन को एक्सपोज कर देता है। साफ करने के चक्कर में क्या होता है, जो ये पल्प का थोड़ा सा पोर्शन है ये भी जो है खुल जाता है, तब क्या होता है, यहां से हल्की हल्की ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग क्या होता है, जो एक्सपोज वाइटल पल्प होता है, जो पार्ट एक्सपोज हो गया है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग या बेस लगा देते हैं जिससे कि जो आपका पल्प है, जो हेल्दी पल्प है, वो खराब ना हो और आपका दांत जो है बच जाए। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डायरेक्ट पल्प कैपिंग। अब हम बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव होता है डायरेक्ट पल्प कैपिंग का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट अ न्यू डेंटीन। कहां पे, जो साइट एक्सपोज हो गया, जो एरिया एक्सपोज हो गया है, उसके ऊपर एक नया डेंटीन का फॉर्मेशन हो जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपका वाइटल पल्प है, जो हेल्दी पल्प है, उसको कुछ ना हो, वो एकदम अनकंटेमिनेटेड हो, एकदम क्लीन हो। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट पल्प कैपिंग के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन आता है कि जो पल्प का एक्सपोजर है वो पिन पॉइंट साइज का होना चाहिए, मतलब कि 0.5 से लेके 1 mm तक होना चाहिए, तभी डायरेक्ट पल्प कैपिंग हो सकता है। अगर 1 mm से ज्यादा होता है, 1 mm से ज्यादा बड़ा एक्सपोजर एरिया होता है, तो फिर डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं हो सकता है। मैकेनिकल एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब कि जब डेंटिस्ट आपकी टूथ की कैविटी को क्लीन कर रहा है और एक्सीडेंटली जो है पल्प एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि जो कीड़ा लगा है आपके दांत में वो हल्के से पल्प के पोर्शन को टच करते हुए जा रहा था और डेंटिस्ट ने उसको जब क्लीन किया तो एक्सीडेंटली जो है आपका पल्प जो है एक्सपोज हो गया, तो उस केस में भी आप जो है डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि साइज जो है 1 mm से कम होना चाहिए। अगर आपको ट्रॉमा हो जाता है आपके दांत में
और उसकी वजह से आपका जो पल्प है वो एक्सपोज हो जाता है थोड़ा सा, तो आपको 24 घंटे के अंदर ही अंदर डायरेक्ट पल्प कैपिंग करवा लीजिए। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं हो सकता है। जब आपका पल्प एक्सपोज होता है तो हल्की सी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग 10 मिनट से ज्यादा हो रही है तो फिर आप डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं कर सकते हैं। अगर 10 मिनट के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग रुक जाती है, आप अगर इजी तरीके से ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और जो एक्सपोजर एरिया है वो क्लीन है और अनकंटामिनेटेड है, तभी आप जो है डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं। चलिए, इंडिकेशन तो मैंने बता दिया है, अब कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, मतलब कि आप कहां कहां पे डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस पेन हो रहा है, तब आप जो है डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, प्राइमरी टीथ, डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ, दूध के दांत में कभी भी डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पे इंटरनल रिजॉर्प्शन हो जाता है, इसकी वजह से हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग प्राइमरी टीथ में नहीं करते हैं। टूथ मोबिलिटी, अगर आपका दांत हिल रहा है तो उस केस में भी डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं करते हैं। अगर आपका पल्प एक्सपोज हो गया है और वहां पर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी जो है डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं हो सकता है। तो उस केस में आपको पल्पोटमी या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर पेरी अपाइकल इंफेक्शन या लीजन आपके टूथ में प्रेजेंट है तो उस केस में भी डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं हो सकती है। अगर स्वेलिंग आ गया है या फिर फिशुला का फॉर्मेशन हो गया है या फिर रूट रिजॉर्प्शन है टूथ में, तब भी हम जो है आपका डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट पल्प कैपिंग में कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, चलिए बताते हैं। डायरेक्ट पल्प कैपिंग में दो मटेरियल यूज होते हैं, पहला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा होता है MTA, मिनरल ट्राइऑक्साइड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आप पल्प कैपिंग कर देते हैं उसके बाद हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं और कितने दिनों में होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब पल्प एक्सपोज हो जाता है तो 24 आवर्स के अंदर ही अंदर आपको डायरेक्ट पल्प कैपिंग करवा लेनी चाहिए। जब डायरेक्ट पल्प कैपिंग हो जाता है तो 24 आवर्स के बाद क्या होता है, जो नेक्रोटिक जोन होता है, मतलब कि जब आपका पल्प एक्सपोज होता है तो उस एरिया में नेक्रोसिस हो जाता है, तो जो नेक्रोटिक जोन है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम प्लेस करते हैं 24 घंटे के बाद जो नेक्रोटिक जोन है वो सेपरेट हो जाता है। जब 7 डेज हो जाते हैं तो सेलुलर और फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। जब 14 डेज बीत जाते हैं तब क्या होता है, जो कैल्सिफाइड फाइब्रस टिश्यू है वो दिखने लगता है और जो नेक्रोटिक जोन है वो डिसअपियर होने लगता है। जब 28 डेज से 30 डेज पूरे हो जाते हैं तब न्यू डेंटिन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो पल्प आपका एक्सपोज हो गया था जहां से, वहां पे हम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या MTA अप्लाई करते हैं, वो क्या करता है, एक बैरियर बना देता है, मतलब कि न्यू डेंटिन बना देता है और आपका जो पल्प है ना, वाइटल पल्प, वो हमेशा के लिए हेल्दी होता है और सिक्योर हो जाता है। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।